ओम हनुमते नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, भरपूर धन चाहिए या पुत्र प्राप्ति नहीं हो पा रही है, संतान सुख नहीं मिल पा रहा है, नौकरी नहीं मिल पा रही है, पैसा आप अच्छा खासा कमाते हैं, घर में नहीं रुक पा रहा है, तो आपको यह उपाय जो है प्रारंभ कर देना चाहिए। नियमित रूप से यह उपाय करेंगे तो आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। आज मैं आपको जो उपाय बताने जा रहा हूँ यह बालाजी महाराज का बहुत ही अच्छा उपाय है। मंगलवार शनिवार को यह उपाय कर सकते हैं, मंगलवार को या शनिवार को। यह उपाय इतना प्रभावशाली है कि आपके ऊपर का कर्ज ज़्यादा हो रहा है, कर्ज आपने लिया है, कर्ज आपका नहीं चुक पा रहा है, तो जल्दी ही कर्ज भी चुकेगा, पुत्र प्राप्ति भी होगी, भरपूर धन आएगा, पैसा ही पैसा होगा आपके पास। लेकिन नियमित रूप से आपको ये उपाय करना है। आपको क्या करना है, सुबह स्नान करना है। स्नान करने के बाद में आपको क्या करना है कि हनुमान जी की फोटो के सामने, यह आप घर पे भी कर सकते हैं और मंदिर जाके भी कर सकते हैं। अगर मंदिर जाते हैं आप तो मंदिर में आपको ऐसी देखनी है जो चोला चढ़ने वाली मूर्ति हो। अगर घर में करना चाहते हैं तो आप हनुमान जी की फोटो ले लें, उनकी थोड़ा सा हल्का सा सिंदूर उन फोटो पे ही आप लगा सकते हैं। आपको क्या करना है, बाजार से दो लड्डू लेकर के आने हैं जो बूंदी वाले होते हैं, और एक मीठा पान लेना है और एक भोजपत्र का टुकड़ा लेना है। अब एक कटोरी में आपको सिंदूर घोल लेना है जो गाय के घी में होगा, गाय के घी में सिंदूर घोल करके तैयार कर लें, और आपको दो लौंग और दो इलायची भी साथ में रखनी है। अब सर्वप्रथम आपको हनुमान जी को नमस्कार करना है, हाथ में जल लेके संकल्प करना है और अपनी मनोकामना बोलनी है। उसके बाद में गाय के घी में थोड़ा सा सिंदूर तैयार कर ले और हनुमान जी के शरीर पर आपको लगाना है। अब भोजपत्र पर उसी सिंदूर से थोड़ा सा टीका लगा देंगे और अपने भी लगा लेंगे। उस भोजपत्र पर आपको अपनी मनोकामना लिखनी है। उसके बाद में भोजपत्र को फोल्ड करके नैया और ओम हनुमते नमः श्री राम दूताय नमः, ये मंत्र आपके चलते रहने चाहिए का उपाय करते समय। ये उपाय आप सूर्यास्त के बाद करेंगे, सूर्यास्त के बाद जब सूर्यास्त हो जाता है तब आपको हाथ पैर धोकर के भी कर सकते हैं, इसको स्नान ना कर सके तो। सुबह करना चाहें तो सुबह बिना कुछ खाए पिए आपको करना है। आपको उस पर मनोकामना लिखनी है, फिर आपको मोदक और मीठा पान हनुमान जी को अर्पण करना है। अच्छा, मीठा जो पान है उस पर आपको दो लौंग लगा देनी है और जो मोदक है उस पर आपको इलायची डालनी है, ठीक है। अब आपको वहां दीपक जला करके ओम हनुमते नमः एक मंत्र माला जाप करना है। ऐसी मूर्ति अगर आपको मिल जाती है मंदिर में जाकर के, ऐसी मूर्ति पर चोला चढ़ा के आप कर सकते हैं, नहीं तो फोटो के सामने आप घर पे भी कर सकते हैं, थोड़ा सा सिंदूर लगा के हनुमान जी को भोग लगा करके आप मंत्र का जाप करेंगे। उसके बाद में जो मोदक है वह आपको प्रसाद के रूप में सभी को बांट देने हैं, मीठा पान हनुमान जी के सामने रखा रहने देना है। दूसरे दिन वह मीठा पान आप मंदिर में चढ़ा करके आ जाएं। इस प्रकार से आपको रेगुलर यह उपाय करना है। इतना प्रभावशाली उपाय है कि बहुत जल्दी आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी और आपको विशेष लाभ मिलेगा। जिस कामना से आप उपाय करेंगे भरपूर धन आएगा, पुत्र प्राप्ति की हर मनोकामना पूरी होगी। ओम हनुमते नमः।